हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पे पार्ट थ्री पढ़ने वाले हैं इससे पहले दो लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए क्योंकि आज उन लेक्चर्स का यूज़ होने वाला है उन कॉन्सेप्ट्स को आज मैं यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस कुछ को सॉल्व करना सिखाऊंगा ठीक है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टर्स पर पूछे जाते हैं अगर एलिगेशन एंड मिक्सचर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आप समझ लीजिए कैसे इस तरह के सॉल्व को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है तो पहली चीज वो देखिए क्या कह रहा है कि टू वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो सेवन रेशियो फाइव एंड सेवन रेशियो नाइन तो पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए बोल रहा है कि जो दो वेसल्स हैं एक वेसल अगर मैं बोलूँ ए है तो दूसरा क्या है बी है और इसमें मिल्क और वाटर ठीक है मिल्क है और क्या है वाटर है तो एक में मिल्क कितना है सेवन है और वाटर कितना है फाइव है दूसरे में मिल्क कितना है सेवन वाटर कितना है नाइन ठीक है इफ बोथ आर मिक्सड इन द रेशियो वन रेशियो वन ठीक है बोलता है अगर इसका अमाउंट एक लिया जाए तो इसका अमाउंट कितना लिया जाएगा एक ठीक है तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर तो देखिए इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स क्या आती है स्टूडेंट्स को कि वो कहते हैं कि सर इसमें सात है और इसमें पाँच है तो इसका सात और इसका सात मिला दिया हो गया चौदह और इसका पाँच और इसका नौ मिला दिया है, तो ये भी कितना हो गया चौदह तो ये एक रेशियो एक आ जाना चाहिए लेकिन ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ठीक है इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप वो समझ लीजिए देखिए पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है सात अनुपात पाँच यानी कि अगर मिल्क सात है तो वाटर पाँच है यानी कि टोटल कितना है सात तीन दस और दो बारह ठीक है तो बारह लीटर अगर ए है तो बी देखिए कितना है सात और नौ ये कितना हो गया सोलह लीटर ठीक है तो पहली चीज ये है कि इन दोनों को इक्वल करना है आपको ठीक है तो इसमें देखिए अब इनका इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूं या फिर ये देखूं कि ये किससे किससे मिलके बना है ये चार और तीन इससे मिलके बना ये किससे मिल रहा है चार और चार तो इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई करूं चार का और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं तीन का तो देखिए कितना हो जाएगा चार चौक सोलह तिया अड़तालीस और ये देखिए कितना हो जाए चार बारह चौक अड़तालीस ठीक है तो ये अब देखिए अब ये जो है एक और एक रेशियो में मिलेगा ठीक है तो इसमें मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा चार से और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा तीन से ठीक है तो अब ये एक और एक रेशियो में मिल गए तो अब मैं इनको सीधे सीधे ऐड करूंगा तो अब मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है तो देखिये यहाँ पे मैं चार से मल्टीप्लाई करता हूँ मिल्क में कितना हो जाएगा सच चौक अट्ठाईस मिल्क ऊपर वाले से मुझे मिला और नीचे वाले से मिल कितना मिला बीस से यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई होगा तो सात्रिक इक्कीस ठीक है तो ये कितना हो गया फोर्टी नाइन और वाटर देखता हूँ तो ऊपर वाले में चार से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बीस और नीचे वाले में नौ में तीन से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा सत्ताईस तो ये कितना आ जाएगा फोर्टी नाइन रेशियो फोर्टी सेवन तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा फोर्टी नाइन रेशियो फोर्टी सेवन के अनुपात में नए मिक्सचर में दूध और पानी होगा ठीक है इसी टाइप के और क्वेश्चंस को देखते हैं अब देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है ये क्या बोल दिया है कि थ्री वेसल्स ईच ऑफ 10 लीटर मतलब तीन जो वेसल्स हैं वो कितने-कितने के हैं 10 10 लीटर के हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे मैंने ये किया कि 10 लीटर के तीन वेसल बना दिया उसमें क्या बोल रहा है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना-कितना है दो अनुपात एक है एक में एक में तीन अनुपात 1 है और एक में 3 अनुपात 2 है ठीक है अब देखिए सवाल में कुछ चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि जैसे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में था कि अगर परसेंटेज पूछा जाए तो वैल्यूज़ मैटर नहीं करती सिमिलरली रेशियो में भी होता है कि अगर आपसे इन द एंड पूछा जा रहा है कि लार्ज वेसल में मिलाने पर रेशियो बताइए तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत खासा मैटर आपके लिए नहीं करेंगे ठीक है लेकिन ये चीज आप देख लीजिए कि तीनों अगर सेम है तो तीनों सेम रहनी चाहिए इसमें कभी चेंज आपका नहीं आया ठीक है थीके? अब देखिए आपको 10 लीटर को दो अनुपात एक में डिवाइड करना है यानी कि तीन की वैल्यू अगर 10 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो ये आपका 20 बटे तीन आएगी तो यहाँ पर आपकी दशमलव में वैल्यू आ रही है लेकिन अगर यही जो 10 है ये अगर तीन का एक मल्टीपल होता है यानी कि यहाँ पे 10 की जगह क्या लिखा होता तीस लिखा होता तो मैं क्या करता तीन बराबर तीस के तो दो बराबर बीस मेरा आंसर आ जाता ठीक है तो यानी कि मैं कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तीन का लेकिन ये मल्टीप्लाई सिर्फ इसी दस में नहीं होगा क्योंकि तीन का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रेशियो सेम है तो ये दस में भी तीन का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस दस में भी मुझे तीन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब देखिए यहां पर कितना है तीन और एक चार है तो चार की वैल्यू दस के बराबर करूंगा तब भी मेरा रेशियो नहीं बनेगा तो एक अगर यहाँ पे दो का और मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बीस हो जाता तो मेरा चार से ये डिवाइड चला जाता देखिए चार से दस में तो डिवीजन नहीं जाएगा लेकिन अगर मैं एक दो का मल्टीप्लाई कर दू तो ये बीस हो जाता तो डिवीजन चला जाता तो अब मुझे एक दो का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये दो का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा और इस दो का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा अब देखिये यहाँ पे क्या है तीन और दो कितना है पांच है तो पाँच का रेशियो दस से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर मुझे किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा तो देखिए ये जो नंबर पहले दस दस लीटर था ये मैंने कितना कन्वर्ट करके कर दिया साठ साठ लीटर ठीक है तो देखिए यहां भी साठ लीटर यहां भी साठ लीटर और यहां भी साठ लीटर अब मैं चीजों को डिवाइड करूंगा और इजिली एड कर लूंगा ठीक है तो दो और एक तीन तो तीन बराबर साठ के तो एक बराबर बीस के तो मिल्क और वाटर में यहां पर लिखता जा रहा हूं ठीक है तो यहाँ पे मिल्क कितना आ जाएगा ये बीस सॉरी तीन बराबर साठ के तो एक बराबर बीस के तो वाटर कितना आ जाएगा बीस इस वाले में देखिए तीन और एक चार तो पंद्रह चौको साठ तो पंद्रह का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पंद्रह वॉटर और पंद्रह तिया पैंतालीस मिल्क इसमें देखिए इसमें तीन और दो तो पांच है तो बारह पंचाठ होता है तो बारह का मल्टीपल आ गया मेरे पास तो बारह दुनी चौबीस वॉटर और बारह तिया छत्तीस मिल्क अब नेक्स्ट जब उसको बड़े बीकर में मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा तो मैं सीधे से इसको ऐड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 20 और 10 30 और 50 और 59 ये वाटर और मिल्क कितना होगा 40 40 80 और 30 110 110 दस एक और एक और एक सौ इक्कीस तो एक सौ इक्कीस अनुपात फिफ्टी नाइन ये इतना जो है मेरा अनुपात आ जाएगा जो बड़े मिक्सचर में मैं ऐड करूंगा ठीक तो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो फोर रेशियो फाइव एंड फाइव रेशियो वन तो देखिए एक जो मिक्सचर है उसमें कितना है फोर रेशियो फाइव में है और दूसरा जो है उसमें कितना है फाइव रेशियो वन में है तो देखिए इनको मिलाया किस रेशियो में जाना है पांच रेशियो दो यानी कि अगर ये पांच है तो ये कितना होना चाहिए दो ठीक है अब देखिए मेरे पास ये है कितना चार और पांच ये कितना है नौ है तो अगर ये नौ का मल्टीपल होता तो मैं इसको इजीली डिवाइड कर लेता तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे नौ का एक मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नौ का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा अब देखिए ये कितना है पाँच और एक छ है तो देखिए छः से तो अब ये कट जा रहा है तो छः से काटूंगा तो ये कितना है नौ दुनिया अट्ठारह है तो अब ये कट जाएगा तो अब मेरा सवाल आसानी से हो जाएगा तो ये कितना है चार और पाँच नौ नौ बराबर नौ पन्ना पैंतालीस के तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाँच तो पाँच से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बीस और ये कितना हो जाएगा पच्चीस अब देखिए सम करके चाहे आप देख लीजिए कभी भी आपको लगे कि कहीं गलती तो नहीं हो रही तो आप इसका सम कर लीजिए तो बीस और पच्चीस पैंतालीस और नौपना पैंतालीस इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं अब सिमिलरली यहां पर भी देखिए पांच और एक छः से अट्ठारह को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा तीन बार तो पांच के वैल्यू कितनी आ जाएगी पांचतियाँ पंद्रह और तीन एक कम तीन ठीक है तो पंद्रह और तीन देखिए यहाँ पे भी आपका अठारह और यहाँ पे भी आपका अठारह है तो ये पांच और दो के रेशियो में मिला दिया मैंने जैसा सवाल ने कहा था ठीक है तो अब देखिए मैं अब चीजों को ऐड कर लू मिल्क और वॉटर को तो इधर मिल्क और इधर वॉटर है तो मिल्क कितना है बीस और पंद्रह तो मिल्क कितना आ गया नए वेसल में पैंतीस और ये कितना आ जाएगा वाटर पच्चीस और तीन अट्ठाईस ठीक है तो मिल्क और वाटर का मेरा रेशियो कितना आ जाएगा नए मिक्सचर में पैंतीस रेशियो अट्ठाईस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको आप समझ लीजिए ए टू किलोग्राम ऑफ मिक्सचर मेटल हैज वन थर्ड जिंक ठीक है अगर ये बोल रहा है सवाल में कि अगर दो किलोग्राम का एक मेटल है ठीक है तो उसमें क्या है जिंक कितना है वन थर्ड है यानी कि जिंक वन थर्ड है तो रेस्ट क्या है कॉपर है तो कॉपर कितना होगा टू थर्ड यानी कि अगर ये एक है तो ये दो होगा मैं अपॉन में थर्ड हटा भी दूं तो भी बात वही रहेगी ठीक है वन रेशियो टू का है और दूसरा क्या है एक तीन किलोग्राम का दूसरा मेटल है उसमें क्या है तीन किलोग्राम का मेटल है उसमें वन फोर्थ जिंक है और रेस्ट कॉपर है यानी कि अगर जिंक एक है तो कॉपर कितना होगा तीन होगा तभी टोटल फोर हो जाएगा तो जिंक वन फोर्थ और कॉपर थ्री फोर्थ हो जाएगा ठीक है तो अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ़ जिंक टू कॉपर अगर न्यू मिक्सचर में इन दोनों को ऐड किया जाए अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास टोटल कितना है वन रेशियो टू है तो टोटल कितना है तीन है लेकिन सवाल में जो मेटल है वो कितने किलोग्राम का है दो किलोग्राम का है तो तीन से उसको डिवाइड करूंगा तो फिर से मुझे रेशियो में खेलना पड़ेगा मेरे पास में मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा तो यहाँ तो यहाँ अब यहाँ पर ये यह कितना है एक और तीन चार है तो यहाँ पे मुझे एक चार का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उस चार का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पे भी करना पड़ जाएगा तो देखिए नेट मेटल मेरा ऊपर वाला कितना आ गया चार बारह धुनी चौबीस किलोग्राम का अगर ए मिलाऊ मैं तो नीचे वाला जो बी मेटल है वो कितने है किलोग्राम का होना चाहिए चारतियाँ बारह बारह चौबीस बारतियाँ छत्तीस किलोग्राम का दूसरा मेटल होगा जब आप इसका देखिए रेशियो निकालेंगे तो ये दो किलोग्राम और तीन किलो दो रेशियो तीन ही हमेशा आ जाएगा ठीक है अब देखिए ये क्वेश्चन अब आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा एक रेशियो दो में है और टोटल मेटल कितना है चौबीस तो जिंक कितना हो जाएगा तीन से आप काट दीजिए तो आठ आ गया तो जिंक कितना होगा यहाँ पे आठ किलोग्राम और कॉपर कितना हो जाएगा सोलह किलोग्राम ठीक है सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर टोटल कितना है छत्तीस है और एक और तीन के रेशियो में डिवाइड करना है तो एक और तीन चार तो नौ चाह छत्तीस तो नौ से मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूंगा तो जिंक कितना आ जाएगा नौ तो कॉपर कितना आ जाएगा नौ त्रिक सत्ताइस देखिए यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए तो ये भी कितना आ रहा है छत्तीस आ जा रहा है ठीक है तो जिंक मेरे पास कितना आ गया नौ किलोग्राम और कॉपर कितना आ गया सत्ताइस किलोग्राम तो इन अब देखिए टोटल जिंक मिक्सचर में पूछा है तो टोटल जिंक ऐड कर लू और टोटल कॉपर ऐड कर लेता हूँ तो देखिए जिंक कितना आ जाएगा नौ और नौ 18 और एक कम सत्रह और यहाँ पर कितना आ जाएगा सत्ताईस और सोलह तो देखिए बीस और दस तीस और चालीस और तीन तैतालीस ठीक है तो जिंक और कॉपर का मिक्सचर कितना आ जाएगा सत्रह और तैतालीस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर ऑन अर्थ इज वन रेशियो टू एंड रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर इन वॉटर इज टू रेशियो थ्री देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है पहले तो उसको लिख लेता हूं। तो नॉर्थन हेमिसफियर पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना है टू रेशियो थ्री है ठीक है और पूरी अर्थ पे कितना है वन रेशियो टू है ठीक है तो देखिए जो अर्थ होती है अपने आप में दो पार्ट्स में ब्रेक होती है अगर मैं बोलूं कि ऊपर का पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर है तो नीचे का पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर है और ये दोनों कैसे होते हैं इक्वली डिवाइड होते हैं ठीक है यानी कि अगर ये एक है तो ये भी एक होगा और अर्थ कितनी होगी टोटल दो होगी ठीक है तो देखिए अर्थ टोटल कितनी है सवाल में तीन है और नॉर्थन हेमिस्फीयर कितना है टोटल फाइव है तो देखिए ये तो कुछ इक्वल नहीं हो रहा है कि हाफ उसका हो ये तो इससे ज्यादा दिख रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि ये सिर्फ रेशियो है ठीक है तो रेशियो को रियल वैल्यूज में कुछ कन्वर्ट करते हैं तो पहले देखिए मैं क्या करूं पहले इन दोनों को मैं इक्वल कर लेता हूं देन इसमें मैं एक दो का और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टू रेशियो वन आ जाएगा ठीक है तो पहले इक्वल करने के लिए मैं क्या करूं इसमें मैं फाइव का मल्टीप्लाई करूं और इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं थ्री का ठीक है तो इसमें मैं थ्री का मल्टीप्लाई करूं और इसमें मैं कितने का फाइव का मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा पंद्रह और ये भी हो जाएगा पंद्रह और फिर एक टू का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अर्थ टोटल कितनी हो जाएगी थर्टी और ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन तो साउथर्न हेमोस्फियर पे उसने पूछा हुआ है लैंड और वाटर का रेशियो वो मुझे निकल आएगा ठीक है तो देखिए इस पर मैंने टोटल कितने का मल्टीप्लाई किया फाइव और टू यानी कि टेन का तो इस पर लैंड कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये लैंड 10 हो जाएगा और वाटर 20 हो जाएगा ठीक है और इसमें मैंने सिर्फ कितने का मल्टीप्लाई किया है 3 का तो लैंड देखिए कितना हो जाएगा 3 टू सा यहाँ पे 6 आ जाएगा लैंड इस पे 6 और ये कितना आ जाएगा वाटर थ्री थ्री जहाँ नाइन ठीक है तो वाटर कितना आ गया नाइन तो नॉर्थन एमोस्फेयर पे लैंड सिक्स है और वाटर नाइन है और टोटल अर्थ पे टेन है और ट्वेंटी तो साउथर्न एमोस्फेयर पे कितना होगा बचा हुआ पार्ट हो जाएगा तो टोटल टेन में से सिक्स गया फोर जो है लैंड होगा साउथर्न एमोस्फेयर पे और ट्वेंटी माइनस नाइन इलेवन जो है वाटर होगा साउथर्न एमोस्फेयर पे ठीक है तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा फोर रेशियो एलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज थर्टीन रेशियो सेवन हाउ मच जिंक विल बी देयर इन हंड्रेड किलोग्राम ऑफ ब्रास देखिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपको ये पता है कि टोटल कितना है हंड्रेड किलोग्राम और कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है तेरह और सात का तो टोटल मेरे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था ट्वेंटी और क्वेश्चन में कितना है हंड्रेड तो कितने का मल्टीप्लीकेशन होगा फाइव का तो फाइव का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर लू ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको करना सिखाया था ठीक है तो क्या पूछा गया जिंक का पूछा गया तो जिंक की तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा सात पना पैंतीस तो आपका आंसर कितना आ जाएगा पैंतीस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए ये भी कुछ उसी टाइप का ही क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर अनुपात पांच अनुपात तीन है जिंक और कॉपर का किस अनुपात में पांच अनुपात तीन और मिश्र धातु का वजन दो सौ ग्राम है और टोटल वजन कितना है 200 ग्राम है ठीक है तो कितने ग्राम कॉपर और मिला जाए कि अनुपात अनुपात पांच हो जाए देखिए कॉपर मुझे ऐड करना है ठीक है कितना ऐड किया जाए कि अनुपात कितना हो जाए तीन अनुपात पांच हो जाए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था किस पेपर में परसेंटेज के सेवेंथ लेक्चर में मैंने सेम टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया था बस डिफरेंस क्या था कि वहां पर जैसे यहां पांच अनुपात तीन है वहां पर क्या था परसेंटेज दिया हुआ था कि जिंक जो है पिछत्तर परसेंट है और बाकी कॉपर है तो कुछ उसी टाइप का यह भी सवाल बन जाता है ठीक है तो देखिए मैं इसको भी उसी टाइप से ही सॉल्व करना आपको सिखाता हूं अब देखिए पहले क्या है मैंने आपको बताया था किस चीज को ऐड जो चीज ऐड हो रही हो हम उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे तो जो चीज पहले भी थी देखिए मैं ऐड इसमें क्या कर रहा हूं कॉपर को ऐड किया जा रहा है कॉपर को और मिलाया जा रहा है तो जिंक जो है जितना पहले थी उतना ही बाद में रहेगी तो पहले जिंक कितनी थी 200 ग्राम में पांच भाग जिंक है पूरा कितना भाग है अगर आठ भाग है ठीक है तो पाँच बटे आठ भाग ये जिंक है और 200 ग्राम का पाँच बटे आठ भाग है तो ये मेरा जिंक का पहले पता चल गया अब क्योंकि जिंक तो मिला ही नहीं जा रही तो जिंक तो उतनी ही रहेगी जितनी बाद में होनी जितनी वो पहले थी ठीक है तो अभी बाद में वो अनुपात क्या हो जाए जिंक और कापर का अनुपात कितना हो जाना चाहिए तीन अनुपात पाँच यानी कि तब जिंक कितनी रह जाए तीन बटे टोटल कितना आठ तो मैं मानता हूं कि कुछ एक्स ग्राम मिलाया गया होगा ठीक है तो ये कितना हो जाएगा दो सौ प्लस एक्स ठीक है तो 200 सौ प्लस एक्स में तीन बटे आठ हो गई तो यहाँ से देखिए आठ से ये आठ कट जाएगा तीन तो कट नहीं रहा है तो इसको मैं क्या करूँगा तीन दुनिया छः सौ प्लस थ्री एक्स इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है पाँच दुनी एक हजार ठीक है तो एक्स थ्री एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी चार तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी चार सौ यानी कि कुछ वन इतना ग्राम आपको जब कॉपर मिलाओगे तब जाकर कहीं पे वो जिंक और कॉपर का अनुपात कितना हो जाएगा तीन अनुपात पांच हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इन थर्टी लीटर मिक्सचर एसिड रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज टू रेशियो थ्री देखिए एसिड एसिड और वाटर का रेशियो कितना है दो अनुपात तीन है ठीक है तो वॉट शुड बी द एडेड वॉट अमाउंट ऑफ वाटर तो देखिए वाटर को ऐड करना है तो मैं वाटर के साथ छिड़खानी नहीं कर सकता हूँ तो देखिए थर्टी लीटर मिक्सचर है किसका एसिड और वाटर का तो उसमें एसिड कितना है दो बटे पाँच भाग है ठीक है अब मैंने माना कि कुछ एक्स लीटर्स मिलाया गया होगा तो अब मिक्सचर कितना एम हो जाता है ठीक है तो एम में अब कितना एसिड होगा तो रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स टू बाई फाइव तो टू अनुपात फाइव हो जाए तो इसमें एसिड अगर मैं पूछूँ तो कितना है दो बटे सात दो है टोटल सात भाग में ठीक है तो देखिए दो बटे सात भाग हो जाए तो अब मैं पहले तो निकाल लूं कि टोटल मिक्सचर कितना हो गया होगा तो देखिए दो से ये दो कट गया तो ये कितना आ गया सात्रिक इक्कीस दो सौ दस बटे सात भाग जो है टोटल टो हो गया होगा तो पहले कितना था तीस था अभी कितना हो गया है इसको मैं यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेता हूँ सात्रिक इक्कीस 21, दो सो दस बटे है सॉरी यहाँ पे पांच है ठीक है तो ये पांच से कटे गए तो कितना आ जाएगा फोर्टी टू तो पहले कितना था तीस लीटर अभी कितना हो गया बयालीस लीटर टोटल मिक्सचर तो ये जो बारह लीटर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ये क्या ऐड हुआ होगा यही तो वाटर ऐड ही होगा क्योंकि वो क्या कह रहा था कि वॉट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड सिर्फ वाटर ही एड हो रहा था उसी वजह से जो टोटल मिक्सचर है वो चेंज हो गया होगा ठीक है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा ट्वेल्व लीटर्स ही जो है वो वाटर एड हुआ होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया हुआ था कि कैसे मैं रेशियो को अगर अलग अलग दिया हो तो कंबाइन कैसे करता हूँ ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या है ए अनुपात बी कितना है एक अनुपात दो ठीक है और बी अनुपात सी कितना है बी और सी में कितना अनुपात है तीन अनुपात एक और सी और डी में कितना अनुपात है दो अनुपात तीन ठीक है तो देखिए यहाँ पे मैं अगर दो का मल्टीप्लाई कर दू तो ये कितना हो जाएगा छ हो जाएगा और यहाँ पे तीन का कर दू तो ये भी छह हो जाएगा तो तो बी भी मेरा सेटिस्फाई सी भी सेटिस्फाई हाँ। तो इजीली हो जा रहा है तो मैं पूरा प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा तो यहाँ पे मैं तीन का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा तीन अनुपात छ और यहाँ पे कितने, कितने का मल्टीप्लाई है दो का तो ये दो अनुपात तीन ठीक है तो ये मेरा रेशियो आ गया ए बी सी और डी में ठीक है तो इसको सम कर लेता हूँ तीन और तीन छह और दो चौदह ठीक है तो चौदह अगर मेरे अकॉर्डिंग टोटल है तो सवाल में कितना है छप्पन रुपए है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी चौदह चौक छप्पन ठीक है तो एक की वैल्यू चार सौ आ जाएगी तो पूछा क्या गया है ए प्लस बी तो ए प्लस बी कितना है सवाल मेरे अकॉर्डिंग नौ तो नौ की वैल्यू कितनी आ जाएगी नौ चौक छत्तीस सौ रुपए जो है ए प्लस बी के पास टोटल होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी सेम टाइप पे ही है इसमें क्या हुआ है कि ए और बी का रेशियो है बी और सी का है और सी और डी का है तो जैसे जैसे सवाल में दिया है मैं वैसे वैसे उसको लिखता जाता हूँ तो ए और बी में कितना है दो अनुपात तीन है बी और सी में चार अनुपात तीन है और सी और डी में दो अनुपात तीन है अब देखिए यहाँ पर रेशियो बनाना बहुत मुश्किल होगा मुझे हर एक नंबर पे अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मैं नंबर से मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी फर्स्ट लेक्चर में वो यहाँ पर यूज करूंगा ठीक है तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया पूरे नंबर्स को जैसे समझाया था वैसे लिख लिया अब सीधे से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा चार दुनी आठ दूनी सोलह ये कितना हो जाएगा चार दुनी आठ आठ तीन चौबीस और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा तीन तरह का नौ दूनी अठारह और ये कितना हो जाएगा सत्ताईस ठीक है तो देखिए ये मेरा रेशियो आ गया अब क्या करना है चौंतीस सौ रुपए है, है तो पहले तो मैं क्या करूं इन सबको ऐड कर लेता हूं ठीक है तो देखिए कितना हो जाएगा नौ अठारह नौतीस सत्ताईस नौ चार छत्तीस नौपना पैंतालीस ठीक है तो पैंतालीस और बीस पैंसठ पैंसठ और चार सिक्सटी नाइन नाइन और ये कितना हो जाएगा एट्टी फाइव ठीक है तो एट्टी फाइव की वैल्यू कितनी है थर्टी फोर हंड्रेड तो देखिए सत्रह से काटेगा सत्रह पच्चीस पिचासी और सत्रह धोनी चौंतीस ठीक है तो 5 की वैल्यू दो सौ है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो ये काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा चालीस ठीक है एक की वैल्यू कितनी आ गई चालीस तो पूछा क्या गया है तो बी और डी के हिस्सों का योग कितना है तो बी मेरा कितना है चौबीस है और डी कितना है सत्ताईस है तो इन दोनों का सम कितना होगा चालीस और ये पचास इक्यावन ठीक है तो इक्यावन से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा टू जीरो फोर जीरो इतना बी और डी के हिस्सों का अनुपात होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें क्या कह रहा है कि ए मैन लिव्स रुपीज सिक्स हंड्रेड छियासी सौ रुपए एक आदमी छोड़ता है टू बी डिवाइडेड एमंग फाइव सन उसके देखिए क्या क्या है कि फाइव सन है फोर डॉटर्स हैं और टू नेफ्यूज हैं ठीक है इफ़ ईच डॉटर रिसीव फोर टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू अब देखिए ये भी टाइप मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही सेकेंड क्लास में सिखाया था कि कैसे रेशियो बनाते हैं जब इस तरह से सवाल दिया हो तो देखिए क्या बोल रहा है कि ईच डॉटर रिसीव्स फोर टाइम्स एज मच एज नेफ्यू तो यहाँ पे मैं पहले तो अलग से लिख देता हूँ ठीक है तो अब क्या बोल रहा है कि नेफ्यूज जितना कमाते हैं उससे फोर टाइम्स किसको मिलता है डॉटर को अगर नेफ्यू को एक मिला तो डॉटर को कितना मिलेगा फोर टाइम्स और क्या बोल रहा है एंड सन सनज फाइव टाइम्स एज मच एज नेफ्यू अगर नेफ्यू को फिर से वन मिला हो तो सन को कितना मिला होगा फाइव टाइम्स ठीक है तो अब देखिए ऑब्वियस सी बात है अगर आदमी है तो अपने लड़के बच्चों को ज्यादा देगा नेफ्यू को तो कम ही देगा तो नेफ्यू को कितना मिला है अगर एक तो डॉटर को कितना मिला है चार और लड़के सबको ज्यादा ही प्यारे होते हैं तो इसको कितना मिला है पांच ठीक है तो एक चार और पांच का यह अनुपात में उसने बांटा है लेकिन ये व्यक्ति को है ठीक है यानी कि हर एक को पांच पांच और हर लड़के को पांच हर लड़की को चार और हर भतीजे को एक मिला है ठीक है अब देखिए पांच सन्स हैं और पांच रेशियो है तो टोटल लड़कों में अगर पूछा जाए तो कितना मिला होगा पच्चीस टोटल लड़कियों को कितना मिला होगा सोलह और टोटल नेफ्यूज को कितना कितना मिला होगा ठीक है है तो इस टोटल का सम देखिए आ रहा है? दस, और ये इकतालीस और दो तैतालीस ठीक है तो टोटल वो जो है मेरे अकॉर्डिंग कितना उसने बांटा है तैतालीस लेकिन सवाल में कितना है छियासी सौ तो एक की वैल्यू कितनी हो गई दो सौ ठीक है तो एक की वैल्यू दो सौ हो गई तो अब पूछ क्या रहा है हाउ मच does each daughter रिसीव तो हर डॉटर को कितना मिला तो देखिए यहां पे मैंने रेशियो बनाया है एक एक व्यक्ति का और यहाँ पर ये रेशियो जो है ये किसका है टोटल का है तो अगर उसने पूछा होता कि टोटल डॉटर्स को कितना मिला तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता सोलह से लेकिन उसने क्या पूछा है कि हर एक डॉटर को कितना मिला है तो हर एक डॉटर को कितना मिला है चार भाग मिला है तो चार धनी आठ सौ रुपए हर एक डॉटर को मिला होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है देखिए ए और बी के पास कितने रुपए हैं देखिए यहाँ पे रेशियो नहीं है यहाँ पे बस आपको समझना है चीज को ए और बी के पास वन फिफ्टी हैं है सवाल में कह रहा है ठीक है और सी के पास ए और बी की कुल राशि से एक सौ रुपए कम है तो देखिए ए और बी की राशि उसने दी हुई है एक तो उसमें से एक सौ एक रुपए अगर मैं कम करूंगा तो सी के पास कितना आ जाएगा फिफ्टी सेवन रुपीज आ गए ठीक है अब वो क्या बोल रहा है कि और B के पास C से तेईस तो अधिक है तो B के पास C से तेईस अधिक है तो तेईस रुपए कर दूं तो ये कितना आ जाएगा पचास बीस सत्तर और एक अस्सी तो B के पास कितना है अस्सी रुपए है C के पास कितना है सत्तावन है ठीक है C के पास सत्तावन हो गया B के पास अस्सी हो गया तो एक का हिस्सा पूछ रहा है तो एक का हिस्सा यहाँ से मैं सीधे से निकाल लूंगा तो ये कितना आ जाएगा ए और बी का एक सौ अट्ठावन है तो अस्सी घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा सेवेंटी एट रुपीज आ गया ये किसके पास होगा ए का अमाउंट आ जाएगा ठीक है